हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। भारत 8वीं बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य चुना गया है। जानेंगे इसके बारे में, सो लेट्स स्टार्ट। भारत के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चुने जाने पर अमेरिका ने भारत को बधाई दी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा के मुद्दों पर साथ में काम करने के लिए आश्वासन दिया है। यह भारत और अमेरिका के बीच सहभागिता की वैश्विक रणनीति है। भारत जो है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर चुना गया है। ये 8वीं बार चुना गया है और इस बार इंडिया निर्विरोध चुना गया है। भारत इससे पहले 1950 में, 1967 में, 1972 में, 1977 में, 1984 में, 1991 में और 2011 में चुना गया था। इस बार भारत एशिया प्रशांत श्रेणी से अस्थायी सीट के लिए अकेला उम्मीदवार था। इसी प्रकार भारत 2021-22 कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च संस्था का अस्थायी सदस्य बन जाएगा। 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 75वें सत्र के लिए अध्यक्ष, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों के लिए चुनाव कराया था। भारत के साथ साथ आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे को भी सुरक्षा परिषद में एंट्री मिली है, जबकि इस बार कनाडा को बाहर रहना पड़ेगा। इस जीत के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत नेतृत्व जारी रखेगा और एक बेहतर बहुपक्षीय व्यवस्था को नई दिशा देगा। भारत को 192 बैलेट वोट्स में से 184 वोट मिले थे। यहाँ पर इनका ट्वीट जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत को सिक्योरिटी काउंसिल में चुना जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न और वैश्विक नेतृत्व को पुख्ता करता है, ख़ास तौर पे कोरोना महामारी के समय में। उन्होंने कहा, भारत एक अहम समय पर सुरक्षा परिषद का सदस्य बना है और हमें भरोसा है कि कोविड के दौरान और कोविड के बाद दुनिया में भारत हमेशा नेतृत्व प्रदान करेगा और बेहतर बहुपक्षीय व्यवस्था को नई दिशा देगा। अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बात करें तो इसकी महासभा हर साल 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए कुल 10 में से 5 अस्थायी सदस्यों का चुनाव करती है। ये 10 अस्थायी सीटें क्षेत्रीय आधार पर वितरित किए जाते हैं। 5 सीटें अफ्रीका और एशियाई देशों के लिए, 1 पूर्वी यूरोपीय देशों के लिए, 2 लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों के लिए और 2 पश्चिमी यूरोपीय और अन्य राज्यों के लिए वितरित किए जाते हैं। परिषद में चुने जाने के लिए उम्मीदवार देश को सदस्य देशों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क USA में मिलेंगे। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख हिस्सों में से एक है। इसका मुख्य कार्य दुनिया भर के शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस में नए सदस्यों को जोड़ना और इसके चार्टर में बदलाव से जुड़ा काम भी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल करता है। यह परिषद दुनिया भर के देशों में शांति मिशन भी जारी रखता है और अगर दुनिया के किसी हिस्से में मिलिट्री एक्शन की ज़रूरत होती है तो सुरक्षा परिषद रेजोल्यूशन के जरिए उसे लागू भी करता है। इस सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 देश शामिल हैं, जिनमें से 5 देश स्थायी सदस्यता प्राप्त कर चुके हैं। इन देशों में अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चाइना हैं। इसके अतिरिक्त 10 अन्य देशों को यूनाइटेड नेशंस की अस्थायी सदस्यता प्राप्त होती है। इन्हीं देशों के साथ अब भारत भी यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा बन गया है। तो ये था पूरा एनालिसिस इस वीडियो का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट।